हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आप लोगों का अपने चैनल सक्सेस मंच में वेलकम करती हूं। तो चलिए हम लोग करेंगे आज करंट अफेयर 3 से 5 अगस्त के बीच में। 1 और 2 अगस्त के करंट अफेयर सब पहले अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं 3 से 5 अगस्त के बीच में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो कि देश विदेश में घटनाएँ घटी। रक्षाबंधन की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, अब थोड़ा सा वीडियो में सीक्वेंस लेके आऊँगी, लगातार वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तकी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। कपिल देव, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर या सौरभ गांगुली। तो ये जो थे ये सौरभ गांगुली के कोच थे अशोक मुस्तफी। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय कप्तान जो पूर्व थे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जो सौरभ गांगुली, उनके कोच थे अशोक मुस्तफी। इनका लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया और वो 86 ईयर्स के थे। सौरभ गांगुली के बचपन के कोच अशोक जो थे वो प्रख्यात दुखीराम क्रिकेट कोचिंग सेंटर के कोच भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। तो ये किया है बिहार राज्य सरकार ने। बिहार सरकार ने हाल ही में कोरोना संक्रमण के प्रचार के रोकथाम के लिए संजीवनी ऐप को लॉन्च किया और इस ऐप में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन ने राज्य के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इन्होंने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 3 राजधानी वाली योजनाओं को मंजूरी दे दी है और इस वर्ष की शुरुआत में जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अगस्त को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है। हृदय प्रत्यारोपण दिवस, नेत्र प्रत्यारोपण दिवस, कान प्रत्यारोपण दिवस या दांत प्रत्यारोपण दिवस। तो करेक्ट आंसर है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आज ही के दिन मतलब 3 अगस्त 1994 को पहला हृदय प्रत्यारोपण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन पी वेणुगोपाल ने किया था। इस सफल सर्जरी में 20 सर्जन ने योगदान दिया था, इसीलिए आज ही के दिन हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम के गेंदबाज एलिस्टेयर के महज 29 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम या इंग्लैंड क्रिकेट टीम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो करीब 11 साल पहले मैकडरमॉट ने साल 2009 में महज 18 साल की उम्र में प्रथम शैली क्रिकेट में करियर की शुरुआत की थी और इन्होंने 29 साल की उम्र में ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। जापान, चीन, कुवैत या ऑस्ट्रेलिया। तो ये है कुवैत। कुवैत ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। साथ ही इसराइल में यरूशलम के मंत्री की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कुवैत द्वारा ईरान, चीन, लेबनान, स्पेन, सिंगापुर, मिश्र और श्रीलंका जैसे देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सऊदी अरब को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है। ये अरामको लिखा है, अरब को नहीं है यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल या सैमसंग। तो करेक्ट आंसर है एप्पल। सऊदी अरामको ये कंपनी का नाम है और इसको पीछे छोड़कर एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है। हाल ही में एप्पल कंपनी के शेयरों में 10% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कितने वर्षीय रॉबिना एसटी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये सबसे उम्रदराज है 99 ईयर्स की। तो सोच सकते हैं आप लोग कि कितनी हिम्मती लेडी है ये। अमेरिका की कैलिफोर्निया की रहने वाली 99 वर्षीय रॉबिना एसटी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इन्होंने रिवरसाइड म्यूनसिपल एयरपोर्ट मैंने जेन फ्लाइट एकेडमी के लिए अपनी आखिरी उड़ान भरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
CIS के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर किसने 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने या सेबी ने? तो ये लगाया है सेबी ने। पूंजी बाजार विनियामक सेबी ने हाल ही में CIS यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने जुर्माना भरने के लिए 45 दिन का वक्त दिया है, अन्यथा जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सांसद अमर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो 64 साल की उम्र में हुआ है उनका निधन, तो वो किस देश के में उनका निधन हुआ है? तो वो उस समय अमेरिका में थे, जापान में थे, सिंगापुर में थे या ऑस्ट्रेलिया में? तो करेक्ट आंसर है सिंगापुर में। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का हाल ही में 64 ईयर्स की उम्र में सिंगापुर में निधन हो गया। उनका 6 महीने से किडनी का इलाज चल रहा था और अमर सिंह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला है? इनमें से बीजापुर, रीवोई, बहराइच या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है बीजापुर, जो कि पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो पहले स्थान पे है बीजापुर, दूसरे स्थान पे रीभोई जो कि मेघालय में है, तीसरे स्थान पे बहराइच उत्तर प्रदेश का है। अब नीति आयोग की बात करें, जिसने ये लिस्ट निकाली है, तो उसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और CEO है अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? आबू धाबी में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है आबू धाबी में। तो आबू धाबी संयुक्त जो अरब अमीरात जिसे कहा जाता है UAE की राजधानी है, और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जैसे कि हमने बताया UAE, उसकी राजधानी आबू धाबी है और मुद्रा है UAE दिरहम और राष्ट्रपति है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो हाल ही में सोनम शेरिंग लेपचा का निधन हुआ, ये किस सम्मान से सम्मानित हैं? अशोक चक्र, पद्म विभूषण या पद्मश्री या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है पद्मश्री। इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और ये पश्चिम बंगाल राज्य से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मैकडेमाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा। जम्मू कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेशों में सड़कों को सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। परियोजना का शुभारंभ उपराज्यपाल यहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो सिक्किम, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो करेक्ट आंसर है मेघालय में। कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर मिजोरम राज्य में ग्रीन एग्री योजना को शुरू किया गया। परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि के प्रबंधन को भारतीय कृषि में स्थायी रूप से एकीकृत करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना की शुरुआत की है? अमेरिकन खगोलीय समाज, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, रॉयल खगोलीय समाज या फिर यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला? तो करेक्ट आंसर है अमेरिकन खगोलीय समाज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, अमेरिकन खगोलीय समाज जिसे AAS भी कहा जाता है, इसके तहत ऐतिहासिक खगोल विज्ञान प्रभाग ने 25 जुलाई 2020 को खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना या एस्ट्रोजन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटेसा की मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान राज्य से। नटेसा की मूर्ति राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर से संबंधित है। ये दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो 22 साल बाद भारत लौट रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया गया है, जिसे 1998 में देश के बाहर तस्करी कर लाया गया था। बलुआ पत्थर नटेसा की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है और ये 9वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान के प्रतिहार शैली में शिव का एक दुर्लभ चित्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया है? तो ये किया गया है हरियाणा के द्वारा।
हरियाणा में इस तकनीक को नियोजित किया गया है। एक रोपण तकनीक जिसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन सहित हवाई उपकरणों का उपयोग करके जमीन पर सीड का छिड़काव किया जाता है, तो इसे कहा जाता है एरियल सीडिंग टेक्निक। किस बीमा कंपनी ने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया है, तो ये इम्पोर्टेंट अभियान हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है, और ये अभियान कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में सहायता और प्रेरित करने के लिए एक फसल बीमा अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो ये पहला है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 30 जुलाई या 31 जुलाई, तो करेक्ट आंसर है 1 अगस्त 2020 को। पहला मुस्लिम अधिकार दिवस 1 अगस्त 2020 को मनाया गया, जिसमें 3 तलाक से मुक्ति की पहली वर्षगांठ को चिन्हित किया गया, और इसे मुस्लिम महिलाओं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के पारित होने के द्वारा एक गैर कानूनी और दंडनीय अपराध बनाया गया था आज ही के दिन 2019 में, इसलिए इसको पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन वाटर हीरोज अवार्ड प्रदान करता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि और कल्याण मंत्रालय, तो करेक्ट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय, जो कि भारत सरकार का है, वाटर हीरोज अवार्ड प्रदान करता है। ये पुरस्कार अप्रैल 2020 के महीने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के ऑनगो उपमंडल कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। तो आज के करंट अफेयर यहीं फिनिश होते हैं, तो आप लोगों को पसंद आए होंगे, अगर आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी जो भी क्वेरीज हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।